पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक स्पेशल वीडियो है जो आपकी नॉलेज के लिए है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ये लाभकारी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकेलेपन को माना जाता है ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। शरीर को पहुंचा सकता है 15 सिगरेट पीने जितना नुकसान। तो क्या आप अकेले हैं? आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है? तो आप आगे चल के अगर कोई फ्रेंड आपका नहीं बनता है तो आप भारी तकलीफ में घिर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना नहीं है, ये हू की रिपोर्ट करती है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल लोगों में अकेलेपन की समस्या काफी बढ़ गई है। हर व्यक्ति अकेले में रहना पसंद कर रहा है। दुनिया भर में युवाओं की बड़ी आबादी अकेलेपन का शिकार है। अकेलापन आपको मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं वे अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा तनाव चिंता में रहते हैं। अकेलापन व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कभी कभी अकेले में रहना पसंद करना आपको सुकून दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक अकेले रहना आपकी मानसिक हालत को खराब कर सकता है। अकेले रहने की वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आ सकता है। आपको बता दें कि अकेलापन यानी लोनलीनेस कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हु ने अकेलेपन को ग्लोबल हेल्थ थ्रेट मान लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में अकेलेपन को धूम्रपान पीना जितना खतरनाक बताया है। WHO की माने तो अकेलापन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। सिगरेट को सेहत के लिए काफी नुकसानदायक माना जाता है। सिगरेट पीने से शरीर के कई अंग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। सिगरेट पीने से फेफड़े, हृदय और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। सिगरेट या धूम्रपान करने से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने का जोखिम बना रहता है। हालांकि हु ने अकेलेपन को सिगरेट पीने जितना नुकसानदायक बताया है। WHO के माने तो एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को जितना नुकसान पहुंचता है, अकेले रहने से भी शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचता है। अकेले में रहने से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। हु के अनुसार वृद्ध वयस्कों में अकेलेपन के कारण कई तरह के मानसिक रोगों की जोखिम बढ़ रहा है। अकेलेपन की वजह से डिमेंशिया रोग विकसित होने का जोखिम 50% तक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अकेलापन कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ाता है। किशोरावस्था में भी लोग अकेलेपन में रहना पसंद कर रहे हैं। यहां पे मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूं अकेलेपन को दूर करने के लिए। अकेलापन दूर करने के लिए आप अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अकेलापन को दूर करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाएं या फिर बातचीत करें। अकेलापन दूर करने के लिए परिवार के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। आप अपने समस्याएं उनके साथ शेयर करें, इससे आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।